नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार सरकार के सामने एक बार फिर से दूसरी चुनौती खड़ी हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि पिछले साल जिस तरह से बारिश की पानी की वजह से राजधानी पटना तालाब में तब्दील हो गया था, उस वक्त लोगों को तकरीबन एक महीने तक बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, और एक बार फिर से सरकार के सामने आज मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उस वक्त भी सरकार की खूब किरकिरी हुई थी और आज एक बार फिर से एक दिन की बारिश में राजधानी पटना तालाब में तब्दील हो गया। इसे लेकर के सरकार पर राजद ने निशाना साधा है। एक बार फिर से राजधानी पटना में बारिश के पानी की वजह से राजद ने सरकार पर हमला बोला है। राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने कहा है यह सरकार की नाकामी को उजागर करता है। कुछ घंटों की बारिश में राजधानी झील में तब्दील हो गई तो सावन भादो की बरसात में क्या हाल होगा? नीतीश जी जवाब दे और जनता को जवाब देने के लिए तैयार रहें। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, सुनिए। जब बैसाख महीने के बारिश में ही राजधानी पटना झील में तब्दील हो गई तो बरसात के मौसम में क्या हाल होगा राजधानी वासियों का, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकार के रवैये से एक बार फिर लगता है कि पटना वासियों को बरसात महीने में दो साल पूर्व जो स्थिति उत्पन्न हुई थी उसी तरह के स्थिति का सामना करना पड़ेगा। पटना तालाब में तब्दील हो जाएगा और नाले के पानी में राजधानी फिर डूबेगी। ये सरकार पूरी तरह से सब जगह नाकाम साबित हो रही है। जब अभी बैसाख के महीने में थोड़े से बारिश में ही ये हाल है, चारों तरफ जो मेन पटना गांधी मैदान के पास का इलाका वो सारा झील में तब्दील है, हर जगह पानी लग गया है। ये आखिर हो क्या रहा है? सरकार का सिस्टम ही पूरा डूब गया है। जो स्थिति है कोरोना के महामारी में भी सरकार नाकाम, बरसात का पानी जल जमाव में सरकार लोगों को राहत नहीं दे पा रही है उसमें भी नाकाम, हर मोर्चे पर सरकार नाकाम है। अब सरकार सोई है और सरकार का सिस्टम पानी में तैर रहा है। तो सुना आपने, मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के लोगों को भी अलर्ट कर दिया है कि राजधानी पटना एक बार फिर से तालाब बनने जा रहा है, आप लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछले बार भी नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया था और आज एक बार फिर से नीतीश कुमार ना कुछ बोलेंगे और ना ही कुछ करेंगे। यानी सरकार को उन्होंने चुनौती दी है, सरकार को मृत्युंजय तिवारी ने कह दिया है कि तालाब बनने जा रहा है एक बार पटना फिर से, पिछली बार आपने कोई संज्ञान नहीं लिया था और कोई उपाय नहीं किया है, इस बार भी वही हाल होने वाला है। बिहार के लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।